वो ऐसा है। अरे ये क्या कर, तुम अंदर जाओ। हाय, जिसका मुझे डर था वही हो गया। बताओ, बहू कह रही है कि मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, वो तो ऐसा है। अरे वो ये तो गई छोड़ के। अरे रंपत, ओ रंपत, ये क्या किया तूने? क्या किया है? क्या किया? वो क्या क्या कह गई है बहू? क्या कह गई? गई अपने मायके, जानते हो, जो कह रही है मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई, वो किसी काम का नहीं है। अच्छा, हाँ? तो बर्बाद हो गई, आबाद हो गए। कितनी मुश्किलों से मैंने तेरी शादी कराई, क्या क्या अरमान देखे थे मैंने तेरे लिए, कि मैं दादा बनूंगा, और तू तू दवा खराब किसी काबिल नहीं रहा। आग थू। अच्छा थू। अब मैं जा रही हूँ अपने माइक के, अब मैं नहीं आऊंगी। मेरी जान, कहाँ जा रही है? अरे मेरी जान मजा छोड़ो। अरे मजा, ओए ओए मजा। अबे माँ तो कुछ ना हुआ, यहाँ का उखाड़ लेगा तू, धनुष तोड़ दूंगा। अबे जा, माँ तो कुछ कर ना सके, यहाँ उखाड़ने पे लगे। मेरी जान। अबे तुझसे अच्छा तो मैं हूँ। हाँ सही बात, अभी भी चार औरतें हैं। सही बात, हाँ सारे भूखों मर रही हूँ। तो क्या हुआ, काम तो कर रही है हमारा। अब तो कोई दूसरी शादी भी नहीं हो सकती इसकी, मैं तो अब जाऊंगा नहीं। क्या कर, पहले कहता ब्यासे हैं, हम करासे हैं, हम फलाना हैं, हम धमाके हैं, अब बताओ बहू हमारे मुंह पे ही ये कह गई कि वो तो किसी काम के नहीं है। ये साला, इसकी बचपने से गंदी हरकतें रही, रामलीला वालों के साथ में रह रहे गए, ये बिल्कुल बिगड़ गया, बिल्कुल बिगड़ गया। समझ में नहीं आता क्या हो गया है इसको, हो सकता है कोई बीमारी उमारी तो नहीं है इसको, क्या करना चाहिए। अरे हाँ, हमारे एक दोस्त हैं वैद्य राम प्रसाद, उन्हीं के पास चलें और उनसे बताएं कि क्या कोई राय मशवरा दें तो इसको दिखाया जाए। लो, वैद्य जी का नाम लिया और वैद्य जी आ भी गए। अरे वैद्य जी, नमस्ते। वैद्य जी नमस्ते। नमस्कार रामदीन भाई। अरे नमस्ते। और शादी आदि ठीक रही? अरे शादी में तो आप थे, आपको सब पता है, मुझसे क्या पूछ रहे, खामखा मजाक करते हैं आप। बेटा का जिंदगी सही चल रही, जीवन उनका कि नहीं? अरे कहा बताए वैद्य जी, एक राज की बात है, बताए आपको, इधर आइए आप। अब हम और आप तो एक ही उम्र के हैं, कोई छुपाव वाली बात तो है नहीं भाई। हमने भी तुम्हारा इलाज करवाया था, मालूम है ना? हाँ 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 हाँ, मालूम है कि नहीं? अरे मालूम तो है, लेकिन कोनो काम के ना रहो। तुम्हारा तो हम इलाज वो कीन रहा है, लेकिन कर पाए को ये पैदा। अरे हाँ। लेकिन अभी हमें विश्वास नहीं है कि वो है तुम्हारा असल का कि नहीं है। अरे नहीं, जब आपने इलाज किया था मेरा, तो फिर उसके बाद में जब मैं मारिया के पास में गया तो फिर वो तो अच्छा अचक हो गई। फिर 20 साल पहले मार भी गई, बच्चा लेके गई। अच्छा 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 अच्छा, अब वही बीमारी शायद हो सकता है हमारे बच्चे को हो गई है। हाँ वही तो बता रहा था, आपने सुनी ही नहीं बात को। अब वो बात तो हो गई, पहली रात को हमारा बच्चा जब गया है अंदर सुहागरात मनाने के लिए, तो पहले तो आवाजें अच्छी आ रही थी, एक आदरण बनाया उसने बच्चे ने, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? समझ रहा हूँ। उसके बाद में आवाजें भयानक आने लगी और थोड़ी देर के बाद में बहुरिया बाहर आई, और बाहर आने के बाद में करी, हाय मैं लुट गई, हाय मैं बर्बाद हो गई, वो तो किसी काम का नहीं है। ये बात भैजी, क्या कुछ दवा ववा ऐसी हो तो? दवा है? हाँ यहाँ आओ देना। हाँ बीमारी तो गंभीर है। हाँ पैतृक गुण है, जाएगी कहाँ? सही बात है, सही बात है। वो लड़का कहाँ है? अब आपने मुझे देख लिया तो मुझे लड़का समझ लो। नहीं नहीं नहीं, अब आपकी थोड़ी कम हुई है ना, लेकिन मौका आपको मिला ही नहीं दोबारा।
तो क्या करोगे? मौका मिलता तो शायद आपको ये पता चलता कि अब मैं ठीक ठाक हूँ कि नहीं। नहीं मैं ठीक ठाक तो अभी हूँ, एक सेटिंग है। वो ऊपर से लग रहे हैं। अरे बच्चों को देखिए आप। बच्चा कहाँ है? हमारे क्या है? बच्चों को बुलाओ। बच्चों को बुलाना पड़ेगा और क्या। अरे रंपत, ले ले देख लो बच्चों को, बांधो। हम तो बांधेंगे ही, और क्या है। काहे पैदा कियो? इसलिए पैदा किया था, बांधो। बहुत बड़ा नालायक पैदा किया हमने यार, हमें क्या मालूम था गधे के बच्चे। तो तुम भी तो हो गधे। अबे ये तू लगा ले। नहीं। मेरा बेटा खींचो, मेरा करेजा पकड़ो। अबे कहाँ कहाँ हाथ लगवा रहा है तू? अम्मा के बहुत हाथ लगाए थे तभी। तू ऐसे कह के मुझे अपनी अम्मा की याद दिलवा देता है। अब जब बुढ़िया को पटा रहे थे। बेटे पटा नहीं रहे थे, बात कर रहे थे तेरे बारे में। बांध ले बेटा, बांध ले। ले लगा दिया, बस जबरदस्ती लगा दिया। ले अरे देखो भज्जी आए, पहले इनको दिखाओ, उसके बाद में। अरे राम दिन भैया तुम ही लगा दे, तो कोई काम की ऐसी कोई बात नहीं थी। भज्जी घबराओ ना, घबराओ लगा देते। भज्जी पाय लगाओ। खुश रहो बेटा। देखो भाई, इसको देख लो आप, ठीक हो? इसको देख लो भाई जी। हैं? इसको अम्मा का दूध पियो कभी कि नहीं पियो? नहीं पप्पा का पिया। तभी तो इनको गंभीर बीमारी है भैया। हाँ क्या बीमारी? अरे बहुत तगड़ी बीमारी है। तो इसका कोई इलाज है या नहीं? कभूँ अपनी अम्मा का दूध तो पीन नहीं है। पीन कि नहीं पीन कि तुम ही सब पी गए हो? नहीं हम तो नहीं पीते, तो मोहल्ले वाले को बांट दिया करते हैं। कबाड़ी है। अच्छा हाँ, एक बार आपने बताया कि एक दवा बनानी है, तो आपको भी तो देके आया था। पप्पा पप्पा वो बस हमका बात कर ले दो। भाई जी बताओ बेटा, हम तो अम्मा का दूध नहीं पिया था, और तुम क्या पप्पा का माठा पिए होगा? हम माठा की दवाई बना के पूरे गांव भर में बांटा था। अच्छा अच्छा, ठीक है ना? तभी लंबाई बढ़ गई। तुम्हारे पप्पा पी नहीं, ठीक है? वो बैठे पूछ लो चाहे, तभी लंबा दिया जाता है। रामदीन भैया सुनो, इनके लिए दवाई है। क्या? ऐसा करो ये ठीक हो जाए। अच्छा, अब तो बहुरिया भाग गई हुई। हाँ गई, रही नहीं सकती। दूसरे भी आपको लगे देखो, ये तो कहा शर्मा रहे थे हम। शर्मा रहे थे? हाँ। दवा पूछ ले दो। पूछो। अब ऐसा करो, हाँ ये ठीक हो जाए। हाँ बताओ। एक कुंटल चना। मतलब? मतलब नहीं सही, दवा दवा घोड़ा का हम। बातों करने दो सरऊ, आप इनको ऐसे रहा दो, इनका इलाज ना हो पाई बिल्कुल। जी आप तो जानते ही हैं, ये बच्चा जो है हमारे आगे का है। वो लगता बैस के इलाज में कुछ करना पड़ेगा। हाँ तुम्हारे आगे का है वो, तो हम समझ रहे हैं रामदीन भैया। ऐसा बात है, आप दया करो उस पे। एक एक कुंटल चना, हाँ ठीक, मंगवा के रखो घर में। उसका क्या होगा? पसेरी भर, मतलब 5 किलो रात में फुलाओ। 5 किलो? 5 किलो चना रात में फुला दे। अच्छा ठीक। और जब वो फूल के ये बड़े बड़े हुई जाए, तो सवेरे उसका पानी और चना अलग करके और उसमें 2-4 बादाम वो सब डाल के इनका खिलाओ बप्पा। और सुनो एक काम हो करो, हाँ हम जब सब खा लें तो एक तो पैड खरीद ले। पैड नहीं, वही दवा बता रहे हैं। और ओमर रामदीन भैया जब ये चना खाई तो एक टट्टी शुरू हुई जाए, वो पतली पतली टट्टी, कई प्रकार की आवाजें निकलेगी, छिड़ में छिड़ भागेगा ये। घबराना बिल्कुल नहीं। अच्छा हाँ, ये ना घबराए बिल्कुल। तो हमारा घर गंदा हो जाएगा? कुछ नहीं गंदा नहीं। एक बाल्टी ले लियो। हाँ? बाल्टी हाँ, और एक चितरे में बांध दियो बाल्टी। हाँ बांध दियो, और 5-5 मिनट बाद ओका फेंकत रहे। कम से कम 4-5 दिन तक एक ही लाइट रिंग रही, और 5 दिन के बाद बिल्कुल ये शादी के लायक हुई। आप कह दो जाए यहाँ से, हमारा दिमाग खराब हो रहा। आपने कहा हम मान गए, जो बच्ची ने कहा वो तो मानना ही पड़ेगा। तुम तो मानोगे ही। अरे तुम ठीक हो जाएगा तो दूसरा ब्याह करा देंगे तुम्हारा, और दूसरी बुढ़िया तुमको मिल जाएगी। अरे बेटा हमारे पप्पा, तुम बहुत उस आदमी हो। कैसे बेटा, क्या बता? देहाती भाषा तुम्हारी शक्ल देख रहे,
जब हम तुम्हारी शक्ल देख ले तुम्हारी अम्मा की याद आ जाती है। तो अम्मा वाला काम हमसे निकाल लो। बहुत अच्छी बहुत बढ़िया तरीके से देती थी शक्ल से। दोनों लग रहे एक दूसरे पे काम चलाते होंगे। इसी लाइन के लग रहा बहुत बढ़िया तरीके से देती थी। चलो चलो राम दिन भैया हम चले बनाए रहो काम। बाल्टी ले गया चला खा लो तुम। हम बाल्टी लेके आते सारे हमको घोड़ा समझे हैं। कहा यार तुम्हारा क्या हाल ये दिन दयाल दया करो बाबा इसी तरह इतना ढीला सामान लगते हो। कहाँ जा रहे पेठे के साले तंदूर है। बेटा जब भी पीछे से तुम्हें पुर की हो गए इसी में अपने कर देना जो कुछ भी करना है। दो चार पांच दिन में सही हो जाओगे फिर मैं तुम्हारे रिश्ते की बात करने जाऊंगा। चिंता ना करो तुम। मैं जो हूं ना मैं जब तक जिंदा हूं मैं तुम्हारा सब कुछ करके जाऊंगा। तुम मरोगे कब?